नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ, दूसरी मोहब्बत। बहुत मेहनत लगी थी दोनों को अपने परिवार को अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार करने में। दरअसल हम जिस समाज में रहते हैं उसके द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ना किसी भी माँ बाप के लिए आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों की जिद को स्वीकार किया और पूरे धूमधाम से माध्यम और आराध्या की शादी हो गई। दोनों ही सरकारी नौकरी करते थे, वो भी एक ही डिपार्टमेंट में। प्रेम विवाह के साथ अक्सर ये समस्या आती है कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को इतना अधिक जान चुके होते हैं कि शादी के बाद कुछ ज्यादा शेष नहीं बचता एक दूसरे को जानने के लिए। इस रिश्ते के साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या आ गई थी। दोनों के बीच बात करने को कुछ खास रहता ही नहीं था। इस खामोशी ने उनके बीच झुझलाहट को जन्म दिया और झुझलाहट ने लड़ाई को। दफ्तर से लौटने के बाद अक्सर दोनों में लड़ाई होने लगी। दोनों के लिए इस तरह से रिश्ते में रह पाना मुश्किल होने लगा और मात्र साल भर के भीतर उन्होंने एक दूसरे से अलग होने का फैसला भी कर लिया। तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई और दोनों ने तय किया कि पहली सुनवाई में ही तलाक की सहमति पत्र पर दस्तखत कर देंगे। आराध्या वापस अपने मां बाबूजी के घर चली गई। तकरीबन एक महीने बाद कोर्ट में सुनवाई की तारीख मिली, 24 दिसंबर। दोनों को अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर कोर्ट पहुंचना था। आराध्या समय की पक्की थी, वो ठीक 10 बजे कोर्ट पहुंच गई। माध्यम जब कोर्ट पहुंचा तो आराध्या को कोर्ट की बेंच पर बैठा देख उसके कदम रुक गए। उसके भूरे बालों पर पड़ती हल्की धूप उन्हें सुनहला बना रही थी। वो खुद में खोई हुई थी और आज भी उतनी ही प्यारी लग रही थी जितनी उसे पहली बार मिलने पर लगी थी। अल्हड़, दुनिया से बेगानी और अप्सरा से दिखने वाली आराध्या आज ठीक वैसे ही किसी सोच में डूबी बेचैन सी दिख रही थी जैसे उसे पहली मुलाकात में मिली थी। उस दिन बॉस ने उसे डांट दिया था और उसे परेशान देख माध्यम ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था और वहीं से शुरू हुई थी दोनों की प्रेम कहानी। अचानक से कोर्ट के अंदर से आवाज आई, तलाक की अर्जी देने वाले माध्यम और आराध्या हाजिर हों। आराध्या जैसे ही खड़ी होने को हुई, माध्यम उसके कदमों के पास आकर बैठ गया। बस 2 मिनट रुक जाओ ना आराध्या, तुम्हारे भूरे बालों पर पड़ती धूप बहुत बहुत प्यारी लग रही है, एक बार इसे जी भर के देख लेने दो, फिर पता नहीं कभी देख भी पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर
आराध्या की आंखें भर आईं। वो फिर से बेंच पर बैठ गई। पता है आराध्या, बहुत लंबे अरसे बाद तुम्हें इतनी तसल्ली से देखा, और आज भी तुम मुझे उतनी खूबसूरत लगती हो जितनी पहली बार लगी थी। तुम्हें आज इस तरह परेशान देखकर एक बार फिर से दिल कर रहा है कि तुम्हारा हाथ थाम कर कह दूं कि तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। पहली बार मिला था तो तुम्हें गले लगाने का अधिकार नहीं था मेरे पास, पर आज जी कर रहा है कि तुम्हें गले लगाकर तुम्हारी सारी परेशानियों को बांट लूं। आराध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माध्यम ने दोनों घुटनों पर नीचे बैठते हुए कहा, आराध्या, आया था तलाक के दस्तावेज पर दस्तखत करने, लेकिन अब दरखास्त कर रहा हूं, मुझे तुमसे फिर से मोहब्बत हो गई आराध्या। क्या मुझे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का, तुम्हें हर दिन स्पेशल फील कराने का, तुम्हें दुनिया की सबसे ज्यादा खुश लड़की होने का एहसास कराने का एक और मौका मिलेगा आराध्या? आराध्या माध्यम को उठाकर जोर से गले लगा लेती है, और दोनों के कंधे एक दूसरे के आंसुओं से भीग जाते हैं। कोर्ट के अंदर से एक बार फिर आवाज आती है, आराध्या माध्यम हाजिर हूं। माध्यम भरे गले से कहता है, हाजिरी लग गई है हुजूर, और दुआ भी कबूल हो गई। अगल बगल खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं, और इस तरह तलाक के पन्नों से निकलकर एक दूसरे के दिलों से होते हुए दोनों की दूसरी मोहब्बत की शुरुआत होती है। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह का विदा।